जैसे हम वैक्स करते हैं या एपिलेटर के थ्रू करते हैं या किसी और मेथड से के बाद हम अपने हेयर रिमूव करते हैं, तो उसके बाद स्किन में थोड़ी सी सेंसेशन सी हो जाती है, तो उसके लिए आप लैक्टोकैलामाइन होता ना लोशन, लैक्टोकैलामाइन लोशन, इसको आप लगा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जिंक ऑक्साइड होता है, जिंक ऑक्साइड बहुत अच्छा रहता है स्किन के लिए, इसके अंदर जिंक ऑक्साइड होता है स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है, कोई भी यदि रैशेज हो जाए या रेड रेड हो जाए या कुछ भी किसी भी तरह की सेंसेशन हो जाती है ना उसके बाद, तो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। वैसे मैं कई बार ऐसा भी करती हूँ, मैं जिंक ऑक्साइड को लेकर आई थी केमिस्ट के शॉप से, तो मॉइस्चराइजर होता है, कई मॉइस्चराइजर में जिंक ऑक्साइड नहीं होता है, मैं जो एक लेकर आई थी तो मैंने उसके अंदर थोड़ा सा जिंक ऑक्साइड भी मिला दिया था मॉइस्चराइजर में, प्लीज़ मैंने मिलाया था, मेरे को सूट करा है, मैं ये नहीं कहती कि आप लोगों को भी सूट करेगा, मैं सिर्फ अपने ही अनुभव बता रही हूँ आपको, तो मैंने उसके अंदर जिंक ऑक्साइड मिला के लगाया था, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि एक अच्छा प्रोडक्ट है ये, जिंक ऑक्साइड वाले प्रोडक्ट वैसे यूज़ करने चाहिए। स्किन के लिए ले लिया, आइस क्यूब ले लिया, कोई भी हैंकी ले लिया कॉटन का, उसके अंदर ऐसे रख कर ऐसे आप कर सकते हैं, तो इससे भी थोड़ा अच्छा फील होता है वैक्स के बाद। और मैं तो मेकअप करने से पहले भी मैं इस तरह से अपनी स्किन को थोड़ा सा वो कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत स्वेटिंग होती है ना, तो मेकअप करने से पहले भी मैं कपड़े में ये कॉटन के कपड़े में स्किन ये आइस क्यूब लेकर अपने फेस पर ऐसा लगा लेती हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और उसके उसके बाद भी लगा लेते हैं हम हेयर रिमूवर के बाद भी।